अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अम्यूज़र स्टूडियो की तरफ से मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ज़ीशान अमजद। इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूं एक मुख्तलिफ और ज़बरदस्त सी सीरीज़, जिसमें हम जाएंगे कश्मीर। लाहौर से हमारा सफ़र शुरू होगा कश्मीर के लिए, और इसमें ख़ास बात ये है कि ये हम सारा सफ़र जो भी तय करेंगे वो लोकल ट्रांसपोर्ट पे करेंगे। पहले तो हमारा प्लान था कि हम ट्रेन पे जाएं, अभी हमने अपनी ट्रेन सिर्फ एक मिनट के फासले पर मिस करवा दी। उसके बाद हमारा दूसरा प्लान जो हमने सोचा कि ये करना चाहिए वो ये था कि अभी हम यहाँ से लारी अड्डे से जा रहे हैं बस में। वो हमारी बस है ये वाली, ये वाइट कलर वाली, ये अभी निकलेगी यहाँ से 2 बजे, फिर हम वहाँ पे पहुँचेंगे पिंडी, पिंडी से फिर हम आगे जाएंगे मुजफ़्फ़राबाद, और फिर मुजफ़्फ़राबाद से आगे हमारा कश्मीर का सफ़र शुरू हो जाएगा। तो चलें आज के एपिसोड शुरू करते हैं। रावलपिंडी पहुँचते ही हम मुजफ़्फ़राबाद के लिए रवाना हो गए, और इस टाइम हम 12 बजे मुजफ़्फ़राबाद पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम, और कोशिश हम ये करेंगे यहाँ से नाश्ता करें। 12 बजे नाश्ता बनता तो नहीं, लेकिन चलें नाश्ता तो करना है, और उसके बाद हम निकलेंगे कश्मीर के लिए। और अभी कश्मीर का बस स्टैंड देखना है कि कश्मीर के लिए कहाँ से गाड़ी जाती है, तो काफ़ी मुश्किल है आगे सफ़र, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग लेट हो चुके हैं। कम अज़ कम 9 बजे हमें यहाँ पर पहुँचना चाहिए था। ये देखें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश है इस टाइम, और अभी नाश्ता करेंगे और उसके बाद अभी आगे कश्मीर का सफ़र जारी रखेंगे। यहाँ की नान तो नहीं होते जैसे हमारे पंजाब में होते हैं, तो ये सादा पनीरी रोटी और ये चने की प्लेट। तो अभी टाइम है था 1:30 बजे हमारी गाड़ी है केल के लिए, केरन के लिए, तो मैंने सोचा कि नाश्ता कर लेंगे और ये चने देखें। ज़बरदस्त है, जैसे कि हमारे सुबह के नाश्ते में चने होते हैं वैसे नहीं है, इसमें हल्का सा चिकन का टेस्ट आ रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। 1:30 बजे हमारी गाड़ी निकलेगी, तकरीबन आधा घंटा हमारा रह गया, फिर नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे गाड़ी में मुलाकात होती है। इस टाइम हम लोग यहाँ पे ये देखें बस स्टैंड में आ चुके हैं, ये गाड़ी जाएगी अभी तकरीबन 1:30 बजे ये गाड़ी निकलेगी, और ये हम 9% है। ये देखें कि हमने टिकट लिया, 500 रुपये यहाँ से किराया है मुजफ़्फ़राबाद से केरन का। केरन हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो अड़नकेल का जो होगा, हम तकरीबन रात को 7:30 बजे अड़नकेल पहुँचेंगे, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं, ना कोई हमें मतलब सीन देखने को मिलेगा। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अभी जाएंगे यहाँ से केरन, केरन से फिर ऊपर जाएंगे हम अपर नीलम। यहाँ से केरन का जो तकरीबन टाइम लगेगा हमें 2 या 2.5 घंटे लगेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, फिर सुबह सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से ही बस स्टैंड से मुजफ़्फ़राबाद से गाड़ी जाती है, और वही गाड़ी हमें आगे केरन से लेके जाएगी केल तक। हमारा ये जो सफ़र होगा इस सीरीज़ में पूरा, ये हम टोटली लोकल ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करेंगे, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि लोकल हम कितना आसान होता है सफ़र करना, उसमें क्या क्या मुश्किलात आती हैं, उसमें क्या क्या फ़ायदा, क्या क्या नुकसान, ये सारा सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी 1.5 घंटे बाद हमारी बस निकलेगी, उतनी देर में हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ें देख लेते हैं, मुजफ़्फ़राबाद का बाजार देखते हैं, और उसके बाद अपना आगे का सफ़र जारी रखते हैं। मुजफ़्फ़राबाद से 40 किलोमीटर के फासले पर यह नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है, जो दरियाए नीलम के ऊपर बनाया गया है।
इस टाइम केरन जाते हुए ये देखें हमारी गाड़ी ने अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया, वो हमारी गाड़ी खड़ी है और ये जो पॉइंट जिस पे हम खड़े हैं तीतवाल थोड़ा सा पीछे गुजर चुका है, वहाँ पर गाड़ी आप नहीं रोक सकते, वहाँ पे इजाज़त ही नहीं है गाड़ी रोकना, क्योंकि दूसरी साइड पर बिल्कुल सामने मकबूज़ा कश्मीर है जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो वो हमारा इलाका लेकिन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और ये देखें इस टाइम जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये ताज़ी ताज़ी चौकी बनाई है अभी, ये अंदर से आप लोग देख सकते हैं, ये अभी बन रही है चौकी चेक पोस्ट, और इस चेक पोस्ट के सामने बिल्कुल ये हमारी साइड है ये जो, ठीक है ये पाकिस्तान की, और ये देखें ये दरिया नीलम, ठीक है, और ये जो सड़क है और ये जो गाड़ी आप देख सकते हैं, और वो आगे गाड़ी में से लोग उतर के गए हैं, ठीक है, और ये जो घर हैं ये मकबूज़ा कश्मीर के, इतनी करीब से मैंने पहली दफ़ा ये नज़ारा देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है ये देखें, और कोशिश करता हूँ ज़्यादा जूम करने की लेकिन इससे ज़्यादा जूम हो नहीं पा रहा, ये सारे हमारे भाई लोग हैं कश्मीर के लेकिन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। वादी नीलम का ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, एक साइड पे मकबूजा कश्मीर, दरमियान में ये खूबसूरत दरिया और उसके ऊपर ये सड़क के ऊपर खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये मंजर। और आखिरकार हम लोग केरन पहुंच ही गए, इस टाइम 5:30 का टाइम हो गया है और रात को हम लोग 2 बजे चले थे लाहौर से, और लगातार सफ़र करके बहुत बुरी हालत हो गई है हम लोगों की। इस टाइम 5:30 बजे हम लोग पहुंच गए हैं केरन और यहां का मैं आपको सीन दिखाऊंगा, और अब जो है काम हम करने वाले वो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ से नीचे से केरन से अपर नीलम अभी मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा जहाँ पर हम लोगों ने जाना, वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर का फासला है, वहाँ से पूरा LOC पूरा मकबूज़ा कश्मीर वो इलाका सारा नज़र आएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हम लोग कहाँ पे खड़े हैं और हम लोगों ने जाना कहाँ पर है। जी वो वहाँ पर हमें उतारा था गाड़ी ने, ठीक है, और ये देखें दरिया नीलम जिसे इंडिया में गंगा किशन दरिया भी कहा जाता है, ठीक है, और ये जो है यहाँ से हमने ऊपर जाना है अभी अपन नीलम की तरफ, और चलते 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 ये जो सामने हट नज़र आ रहे हैं वहाँ पर हम लोगों ने जाना है। तो चलें अपना सफ़र जो है वो जारी रखते हैं, और ये यहाँ का टूर गाइड गाइड मैप जो है नीलम का, आपको यहाँ से हर तरह की मालूमात मिल सकती है। ये हमारा जो ग्रुप जा रहा है, हम 9 लोग आए हैं, और ये देखें जी अभी काफ़ी ज़्यादा सफ़र है, और ये वेलकम टू अपर नीलम। अब यहाँ से हमने पैदल मार्च शुरू करनी है और चलते 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 2.5 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो वहाँ ऊपर अपर नीलम पहुँचना है, और कोशिश तो यही होगी कि मगरिब से पहले पहुँचें। जी व्यूअर्स ये देखें ये पाकिस्तान और ये दरिया नीलम, ठीक है, और ये दूसरी साइड पे बिल्कुल हमारी आंखों के सामने मकबूजा कश्मीर, और उसका सबूत ये देखें ये इंडिया का फ्लैग, ये है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हमारी आंखों के सामने बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा, ये मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है इतनी करीब से ये सब कुछ देखना। अभी तो हमारा ये सफ़र शुरू हुआ है, अभी तो हमारे सफ़र का पहला दिन है, आगे आगे देखें होता है क्या।
तो चलें अपना सफ़र अपर नीलम के लिए जारी रखते हैं। इस टाइम हम लोग अपर नीलम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजॉर्ट हैं, बहुत ज़्यादा गेस्ट हाउस हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है इस एरिया ने। और अभी आप लोगों को मैं दिखाऊं कि हम लोग कहाँ पर थे। वो नीचे थे, वो आपको सड़क नज़र आ रही होगी, ये इधर, ये यहाँ पर वो नीचे थे हम, और ये इधर वाली साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान, और वो सामने उधर वाली साइड, ये जो दरिया के पार है, ये है मकबूज़ा कश्मीर, है तो हमारे भाई, लेकिन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। अभी यहाँ पर हम पहुँचे हैं और बहुत यहाँ का मौसम इतना ज़बरदस्त, अखीरी मौसम हो चुका है यहाँ का, और ये आप लोग मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं, 4 लोग अभी नीचे हैं। हम लोगों ने बेसिकली यहाँ से लिफ्ट ले ली थी, क्योंकि बहुत बुरी हालत होगी 2.5 किलोमीटर ऊपर स्टीप चढ़ाई के ऊपर चढ़ के आना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। तो अभी यहाँ पर जितनी तारीफ इस व्यू की मैं करूँ उतनी ज़्यादा कम है। तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करेंगे, जैसे बाकी भाई लोग ऊपर आ जाते हैं, फिर उसके बाद अब रूम्स देखेंगे कौन से यहाँ पे बेहतरीन रूम जिसका व्यू बहुत अच्छा हो, वो रूम लेंगे और नाइट स्पेंड करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। ये देखें जी, जैसे कि मैंने बताया कि दरिया की इधर वाली साइड जो है ये पाकिस्तान, वो साइड पे मकबूज़ा कश्मीर। बेसिकली यहाँ पे ऊपर का जो व्यू है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, लेकिन पर्सनली जो मुझे पसंद है वो बिल्कुल नीचे दरिया के साथ, बिल्कुल आपकी आँखों के सामने हमारे दूसरे भाई जो मकबूज़ा कश्मीर में रहते हैं, और उस कश्मीर को हम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसको देखने का वहाँ ज़्यादा ही मज़ा आता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग अपने रूम की तरफ जाएंगे। ओके और रूम ढूंढ ढूंढ के काफ़ी थक चुके थे हम लोग, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर चाय पी है। और ये देखें बड़ी ज़बरदस्त यहाँ का एम्बियंस है। और अभी जाएंगे, रूम सिलेक्ट कर लिए हमने, बस जाएंगे कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। यूहनान, कैसा रहा आज का दिन? हैं जी, हनान के मुताबिक को बहुत बुरा दिन रहा। क्यों फैजान? यस, कैसा रहा आज का दिन? बिट टायर्ड बट एंजॉयड आवर जर्नी फ्रॉम लाहौर टू केएल, सो विल डू समथिंग टुनाइट, बॉनफायर। ये सिर्फ बॉनफायर की बात कर रहे हैं, समथिंग जो है ना इसके मुंह से निकल गया। और बुरहान, ड्राइविंग कैसी थी उनकी? तो कमाल थी यार, ड्राइवर की है कमाल का। कमाल की ड्राइविंग थी यार, कसम से अखीर कर दी उसने, अखीर ही कर दी ड्राइवर ने। तो अभी चलते हैं हम अपने रूम्स की तरफ और खाना खाएंगे, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। और ये देखें हमारा होटल, होटल कह लें, गेस्ट हाउस कह लें, ये पार्क नीलम। और यहाँ से भी अंदर चलते हैं, हमारे बाकी दोस्त भाई सारे क्या कर रहे हैं ये भी अभी देखते हैं। एक ये रूम है। हाँ जी, हो गए काम पुराने शुरू? पुराने शुरू, मोबाइल चार्ज नहीं है भाई। मोबाइल चार्ज कह दिए, क्या हो रहा है? ये तस्वीरें एडिट हो रही होंगी, है ना? तस्वीरें अजी वाजी वाह। एक ये निकला है वाशरूम से। वे नहाया तू? अच्छा, अब इधर देख रहे हैं इधर क्या हो रहा है जी। हाँ जी हाँ जी, ओ यार, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है यार? ठंड? लाइट चलाना ना जरा, लाइट चलाई जरा, लाइट चलाई, लाइट लाइट चलाई, लाइट। ओ भाई ये पंखे का है, लाइट चलाई नहीं, ये क्या हो रहा है? ठहर जरा एक मिनट, देख हेलो, एक काम है ना, पंजाब छड़ के आने ने, इथे नीलम वैली नहीं कुछ करना। हाँ जी, कैसा रहा? यार तू सादा ही बहुत भैड़ा लगता है इस तरह ना कर। हाँ जी,
बहुत मजा आया। अगे भी कहीं पाई जा रहे हैं, पाई जा रहे हैं, जिला पाई जा रहे हैं। और रूम आप लोगों ने देख लिए और अभी हम इनको खाना खिलाएंगे और खाना आप लोगों के लिए नहीं नहीं सरप्राइज है। अच्छा मजा आएगा। बकरा चलेगा, बकरा मंदी चलेगी, मंदी। तो चलें अभी खाना खाते हैं, मंदी उसके बाद गंदी मंदी। और ये हमारा खाना आ चुका है, ये चिकन कढ़ाई हमने बनवाई और साथ ये रोटियाँ। शुक्र है यहाँ पर जो तंदूर की रोटी है, ये जो पतली रोटी वो मिलती है, नहीं तो नान खा खा के बुरी हालत हो गई थी। चलो इन्होंने तो खाना शुरू कर दिया, हम लोग भी खाना शुरू करते हैं। कढ़ाई बड़ी मज़े की लग रही है। ये वो ही है पिशावर वाली टमाटर वाली कढ़ाई, बड़ी जबरदस्त। बड़ी जबरदस्त कढ़ाई है। बहुत ज्यादा भूख लगी है। एक चीज और दिखाता हूँ यार, ये दिखाना ये चीज, ये देखना सबल मिर्च, फिर दोबारा ग्रेवी, सॉरी सबल मिर्च गिर गई। जबरदस्त। तो चलें खाना खाने, उसके बाद आपसे लॉन में मुलाकात होती है। और अभी ये खाना खाने के बाद वॉक करते करते हमें यहाँ पे एक शॉप मिली, तो ये कैब दिखाएं जरा, कैब दिखाएं। अजी भाई ये कैब पहनो, फैजान पहन नहीं है हमने, पहन के दिखाओ ना भाई, लगाएंगे बल्ले इस पे। अच्छा ऊपर क्या लगेगा इसके? इसे मोर पंख कहते हैं। मोर पंख कहते हैं। इधर देखें, वाह जबरदस्त लग रही, नाइस जबरदस्त। और जी व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारा आज का दिन ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको आज की एपिसोड ज़बरदस्त लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।